नमस्कार दोस्तों, इजी डिटेच फ्री टू एयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने ये यूएसबी MP5 का जो ऑडियो वीडियो का जो किट है, इसके बारे में एक वीडियो पहले बना चुके थे, मगर उसमें काफी सारा कमेंट्स आ रहा था कि लोगों का जो कनेक्शन है उसका डिटेल्स में पूछना चाह रहे थे, इसके लिए वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे जो MP3 वाला जो किट है, ब्लूटूथ वाला, इसमें ब्लूटूथ भी आता है। MP3 वाला जो किट है वो थोड़ा छोटा होता है, ये देख लो, ये MP3 वाला किट है। इसमें आपका MP3 जो गाना है वो सिर्फ चलेगा, और ये आपका जो होम थिएटर वगैरह है उसमें आप लगा सकते हो। मगर ये जो MP5 वाला जिसमें ऑडियो वीडियो भी आता है, वो किट थोड़ा बड़ा होता है। ये देखो, काफी बड़ा सा किट है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, कि खरीदने से पहले आप देख लीजिए, आप जो खरीद रहे हैं वो ऑडियो वीडियो वाला जो अगर ले रहे हैं तो वो थोड़ा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो MP3 के बारे में हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। तो ये MP5 जो किट है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, आप जाओगे ये बोर्ड लोगे ना, तो इसका जो पैकिंग करके आएगा उसमें आपको सॉकेट मिलेगा, जैसे कि ये वाला जो सॉकेट है ये मिलेगा आपका पावर देने के लिए, और इसके बाद इस तरह का एक सॉकेट मिलेगा जहां से आप ऑडियो वीडियो दे सकते हो आउटपुट, और इसमें आपका सॉकेट लगाना होता है। ये देखो, ये 3 सॉकेट आता है, और अगर आप बड़ा वोल्ट से 12 वोल्ट से देते हो पावर, तो आपका इस तरह का एक LM7805 बोल के एक छोटा सा आईसी होता है। इसका इस आईसी में अगर आप यहाँ से बड़ा वोल्ट या उससे थोड़ा ज्यादा 16 वोल्ट या 35 वोल्ट तक लेता है, और मगर इससे वोल्टेज इनपुट करते हो, तो इससे जो आउटपुट वाला जो 3rd पिन है यहाँ से 5 वोल्ट ही निकलेगा। इसलिए अगर आप इससे यूज करते हो तो आपका बड़ा वोल्ट से इनपुट आप दे सकते हो पावर, और अगर आप चार्जर जैसा होता है मोबाइल का चार्जर वो यूज करते हो तो आपका ये आईसी नहीं लगेगा। अब देखो, क्योंकि चार्जर जो होता है मोबाइल का उसमें 5 वोल्ट आउटपुट ही होता है। दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये जो बोर्ड है ना, ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ, तो लोकल दुकान में आप ऑर्डर देके ले सकते हो। ईबे में ये मिल रहा है, मगर वहां पे प्राइस आपका बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मेरा जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो हम आप लोग अगर ऑर्डर दे रहे होंगे तो हम ऑर्डर लेंगे उसी समय। अभी मेरा सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इस तरह का ऑनलाइन जो देता हूँ वो हम नहीं करेंगे, बाद में दिखा जाएगा। और दोस्तों, अभी देख लो, जब भी आप ये बोर्ड लेते हो ना, तो इसका पीछे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ होगा जो, ये देखो ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट है। यहाँ पे आपके इनपुट का जो सॉकेट है वो लगता है, जैसे कि ये वाला सॉकेट देख लो, ये वाला सॉकेट यहाँ पे लगता है, और उसके उसके बगल में देखो ये जो है आपका RIN GND LIN, इसका मतलब है राइट इनपुट चैनल ग्राउंड, बीच में आ रहा है ग्राउंड, और लेफ्ट इनपुट चैनल। इसका इसका जो इनपुट होता है ना, इसका और एक सॉकेट यहाँ पे भी दिया गया है, देख लो, ऑडियो इन ये, और उसके जैसे कि मोबाइल का जो गाना होता है वो ऑडियो इन ऐसे इस अंदर देके भी चला सकते हो इसमें, और इसमें इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ब्लूटूथ का फैसिलिटी है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी आप दे सकते हो। उसके बाद ये देखो, उसके बाद जो आता है आपका राइट चैनल आउटपुट, ये ऑडियो आउटपुट होगा राइट चैनल के लिए, और उसके बाद आता है ग्राउंड, और उसके बाद आता है लेफ्ट चैनल आउटपुट, उसके बाद म्यूट, जो जिसका बटन आपको नहीं चाहिए, इसलिए देखो म्यूट का बटन इसमें कनेक्शन नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ 3 कनेक्शन है, यहाँ पे 3 पिन जो आउटपुट होगा, यहाँ पे 3 पिन जो इनपुट आप दे सकते हो, ऑप्शन है, मगर इसका सामने भी ये दिया गया है। उसके बाद देख लो क्या आता है, ये माइक इनपुट और एक माइक का जो ग्राउंड होता है वो वाला, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे देखो माइक नहीं लगता है, इसलिए हमने कनेक्शन नहीं दिए थे। और यहाँ पे देखो, मेरे पास सॉकेट नहीं था, अपने आप लोगों ने से किसी ने पूछे थे कि हमने येलो वाला जो कलर का जो वेयर आ रहा था वो कहाँ गया, किधर गया। तो मेरे पास तो सॉकेट इस तरह का नहीं था, 2 पिन वाला एक ही था जो मैंने यहाँ से पावर के लिए यूज किए थे, तो इस तरह का सॉकेट नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिए थे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है CVVS, यहाँ पे आपको वीडियो जो मैंने डायरेक्ट लगा दिया, उस समय मेरे पास वो सॉकेट नहीं था, इसलिए ये सॉकेट आपको नहीं होता है तो आप डायरेक्ट दे सकते हो, मगर देने के समय आपका जो आप सोल्डरिंग जो करोगे ना यहाँ पे, तो बहुत सावधानी से करना होता है ताकि आपका शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ का जो पिन है ये बहुत पास है,
उसके बाद और एक पिन आता है ये ग्राउंड वाला, उसके बाद थर्ड में जो ये लास्ट में जो आता है ये रेड कलर का, ये यहाँ पे लगा हुआ था। यह है आपका एंटेना के लिए, जिसके लिए आपका एफएम होता है, एफएम का एंटेना के लिए। यहाँ पे जोर का आपके इस वायर को बड़ा भी कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, इसका जो कनेक्शन है हमने कर लिया है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। पहले आप ये देख लो, ये जो मैंने यहाँ से जो तीन केबल जा रहा है, तीन वायर जा रहे हैं, वाइट वाला एक चैनल के लिए, और ये जो आ रहा है ये ब्राउन वाला, ये जा रहा है दूसरा चैनल का। ग्रीन वाला जो है वो है आपका ग्राउंड के लिए, ग्रीन है ग्राउंड के लिए। और इसमें देखो जो सॉकेट है ये है, ये वाइट जो सॉकेट है ये एक चैनल के लिए, मान लो कि राइट और लेफ्ट चैनल ऑडियो के लिए, ये ऑडियो के लिए और ये भी ऑडियो के लिए और ये वीडियो के लिए, सिर्फ ये वाला वीडियो के लिए। तो इसका सारे के जो ग्राउंड है, ग्राउंड सेम ही होता है, इसलिए ब्लू कलर से हमने ग्राउंड को शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पे देखो हम जो ये वाला जो है ये लगा देंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, ये आउट लिखा है आपका साफ साफ देख सकते हो, आर आउट एल आउट, राइट चैनल आउट, ग्राउंड, लेफ्ट चैनल आउट। तो यहाँ पे हमने लगा दे रहे हैं, इसे हल्का सा पुश करेंगे तो लग जाएगा। तो ये तीन हो गया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसका ऑडियो वीडियो का कनेक्शन कैसे किया जाता है। और ये रेड वाला जो है ये है आपका एंटेना के लिए, एफएम का एंटेना के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी आपको पावर सेक्शन जो है वो वाला आप लोगों को समझा देता है। तो देखो दोस्तों, ये है सेटअप बॉक्स का जो होता है, ये सेटअप बॉक्स का जो अडेप्टर है, ये देखो साफ साफ लिखा है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर, इससे हम 5 वोल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये जो पहले हमने बोले थे एक LM7805 वाला ये छोटा आईसी है, 05 मतलब 5 वोल्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास सॉकेट नहीं है, इसलिए मैंने इस सॉकेट को यहाँ पे लगाएंगे, ये हमने लगा दिया। और ये दूसरा काम के लिए छोड़ो, इसका कोई काम ही नहीं है, मैंने जस्ट सॉकेट को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको अगर आप सामने पे रखते हो तो इसका जो ये लेफ्ट वाला होता है इसमें 12 वोल्ट इन होगा, ग्रीन मिडिल में जो है ये है आपका ये होगा आपका ग्राउंड, और राइट में जो निकल रहा है ये होगा आपका आउटपुट, 5 वोल्ट आउटपुट देगा। तो हम आपको प्रूव करके भी दिखा दे रहे हैं, एक मिनट। तो देखो मैंने यहाँ पे पावर दे रहा हूं अभी, तो यहां से करंट आके यहां से डीसी वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो। ये जो है ना ये आपका जाएगा सीधा बोर्ड में, ये हमने लगाया नहीं, आप लोगों को थोड़ा पहले दिखा देता हूं उसके बाद लगाएंगे। आउटपुट वाला यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट वाला लगेगा। तो पहले हम देखो यहां से तो आ रहा है आपका, देख ही सकते हो यहां से 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, आते आते हम आपको 12 वोल्ट कैसे निकल रहा है, कितना निकल रहा है वो देख लो। ये मैंने डिजिटल मीटर यहाँ पे सामने पे रखता हूँ आपका, ये देखो ये जो है आपका 20 में दे दिया, क्योंकि हम आप लोगों को इनपुट वोल्टेज भी दिखा देंगे। ये ग्रीन वाला मिडिल में जो है ये आपका हो जा रहा है ग्राउंड, और ये रेड वाला है तो 12 वोल्ट इनपुट। या पहले देखो ये इनपुट हम दे रहे हैं 11.80 ऐसा पकड़ सकते हो, तो 12 वोल्ट ही सोचो कि हम इनपुट दे रहे हैं। और आउटपुट कितना हो रहा है देखो, यहाँ पे ये आउटपुट वाला पिन है, ये देखो तो आउटपुट वाला से जो पिन है उसमें कितना वोल्टेज निकल रहा है, 5 वोल्टेज निकल रहा है आपका, देख सकते हो काटा जो है मीटर में जो दिख रहा है डिजिट में शो कर रहा है, ये 5 वोल्टेज निकल रहा है। तो अगर आपका ये 12 वोल्ट का कोई अडेप्टर या तो कुछ यूज कर रहे हो तो आपका जरूर ये LM7805 वाला आईसी आप जरूर यूज करो। उसके अभी जो यहाँ पे अगर इसको हम लगा देंगे तो 5 वोल्ट जो आएगा ये बोर्ड का जो बोर्ड जो है यहाँ पे ये बोर्ड जो है बोर्ड के यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है, तभी बोर्ड चालू हो जाएगा। दूसरा मैं एक तरीका दिखा रहा हूं आपको, मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल का चार्जर है तो उससे आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी एक जुगाड़ है मेरा, वो भी दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। ये देखो ये है मोबाइल का चार्जर, और इसके पीछे हमने ये वाला सॉकेट दे रहा है आपको,
इसे लगा दिया, देख सकते हो अभी इससे जो आ रहा है ये 5 वोल्ट अभी निकाल रहा है। ये अडेप्टर में एलईडी कोई लाइट नहीं है इसलिए ऑन होते ही आपको पता नहीं चलेगा। और ये जो सॉकेट है ये मार्केट में नया नया आया है, देख सकते हो ये जो सॉकेट है अभी प्रेजेंट जनरेशन का जो ऐसा सॉकेट होता है ना मोबाइल का चार्जर का, उसी का चार्जर का ये सॉकेट है। ये देखो जैसे हम यहां से लगाएंगे, ये देखो ये लग गया, तो यही पिन से अभी 5 वोल्ट निकलेगा। यहां से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ये आउटपुट दे रहा है अभी 5 वोल्टेज दे रहा है। तो देखो ये हो गया, अगर आप इस तरह का कोई चार्जर से इसको देना चाहते हो तो डायरेक्ट वो LM7805 IC वाला आप यूज नहीं कर सकते, नहीं भी करो तो चलेगा। ये देखो इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये देखो थोड़ी मैंने पोलर जो है ये लेफ्ट से इसका पॉजिटिव वोल्टेज निकाल रहा है और राइट से आपका ग्राउंड हो जा रहा है। ये देखो 5.16 लगभग, ये 5 वोल्टेज समझो 0.15, ये थोड़ा सा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस तरह का कोई सॉकेट भी यूज कर सकते हो। तो मैं अभी इसे झाल दे रहा हूँ, देख सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्ट मोबाइल का जो चार्जर है वहां से 5 वोल्ट निकलता है, वो आप मोबाइल का चार्जर से भी ये इसे प्ले कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो ये मैंने लगा दिया, कनेक्शन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इजी से मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, शायद समझ में आ जाएगा फाइनली। मैं देख लेता हूँ पोलरिटी जो मैंने सीख लिया कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव के जगह नेगेटिव के जगह पॉजिटिव लग जाएगा तो उल्टा कनेक्शन दे देगा, बोर्ड शॉर्ट हो सकता है, तो ये बात ध्यान में रहे। अभी देखो हाँ मेरा कनेक्शन ठीक है, अभी देखो आपके सामने अभी हम बोर्ड में कनेक्शन दे देंगे। अभी देखो बोर्ड में कनेक्शन दे रहा है अभी, एक मिनट। ये देखो दोस्तों जब भी बोर्ड में हम कनेक्शन देंगे ना तो यहाँ पे आपका ये ये चालू हो जाएगा, और देख भी सकते हो इसका। ये देखो दोस्त मैंने अभी इसे पावर दे रहा हूँ, ये देखो। तो दोस्तों ये चालू हो गया, तो अभी मेरा एक छोटा सा चीप घुसा हुआ है इसमें, देखो ये वाला TFT जो बोल के जा रहा है, इसमें जैसे कि मेमोरी कार्ड होता है वो, इसलिए वो चल रहा था, ठीक है। ये डायरेक्ट आप दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डायरेक्ट चल जाता है, कोई एक्स्ट्रा कार्ड रीडर नहीं लगता है इसमें। ये तो देखो अभी ये रीड करेगा, अभी हम आप लोगों को डायरेक्ट टीवी में भी चला के दिखाएंगे। तो पहले दोस्तों यहाँ पे देखो, इसके लिए एक बॉक्स मिलता है, इस तरह का कैबिनेट मिलता है, ये डायरेक्ट उस वो सामने वाला जो पैनल है इसमें डायरेक्ट लग जाता है। आप दूसरा कहीं भी कर सकते हो, आपका पर घर में अगर आपका वो CD है, DVD प्लेयर है, CD उसका लोडर जो होता है जहां से कैसेट निकलता है अंदर घुसता है, वो निकाल के आप इसे डायरेक्ट वहां पे घुसा दे सकते हो, लगा दे सकते हो, और या तो फिर कुछ इस तरह का देखो ऐसा भी कर सकते हो। तो फाइनली मैं इसको देखो इसके अंदर लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्विच इस्तेमाल किए है, देखो ये पावर के लिए, बाकी जो कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे कर लिया है और अभी बना के दिखा रहा है आप लोगों को, देखो। तो दोस्तों अभी हम फाइनली इसको हम कनेक्शन देंगे, देखो
ये जो टीवी से हम आ रहा है हमारा, ये वीडियो का देंगे वीडियो में, वाइड ऑडियो का ऑडियो में, ये भी ऑडियो का, ये मैंने पावर दे दिया। अभी स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन कर दिया मैंने, अभी वीडियो आ जाएगा। ये देखो ये आने लगा है, बहुत ही इजी है दोस्तों। ये अभी एक जैसे कि वीडियो पहले चल रहा था वो, और ये देखो ये रिमोट का पीछे में एक ऐसा, अगर नया खरीदोगे ना तो रिमोट के पीछे एक स्लू टेप लगा होगा, पुल करके आप निकालोगे तो बैटरी से रिमोट का कनेक्शन हो जाएगा। ये देखो पहले हम वीडियो को पॉज करके समझा दे रहे हैं, ये देखो पॉज कर दिया, तो जैसे ही आप प्ले करोगे ये देखो अभी फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखो वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों, पिक्चर बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो MP3 कार्ड लगा हुआ है वो डायरेक्ट प्ले होता है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे चलता है इसके बारे में हमने तो पहले बताया ही थे, और इस वीडियो में सिर्फ हमने आप लोगों को बताना चाहते थे कि ये इस कनेक्शन कैसे किया जाता है। अगर दोस्तों ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और दोस्तों कुछ भी पूछना है तो कॉमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर भी कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, हम जरूर जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नया वीडियो के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।